शो मुनीर मेमन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ आज यकीनी तौर पे एक और ऐसा दिन जब बड़े ही बूझल दिल के साथ और आज हम प्रोग्राम करने बैठे हैं यहाँ पे स्टूडियोज में आज हमारे साथ ही एक नामवर साफी एक ऐसा शख्स जो कि यकीन तौर पर सहाफ़ती दुनिया में जो भी लोग आना चाहते हैं जो भी लोग उससे वाबस्ता हैं उनके लिए एक इंस्परेशन का रोल रखता रहा वो आज हमारे दरमिया मौजूद नहीं और आज अर्शद शरीफ साहब की जो आखिरी रसूमा थी वो भी अदा कर दी गई बड़ा मजमा था जिसने नमाज जनाजा अदा की और गायबाना नमाज जनाजा के जो इज्तम मनक़द हुए जगह जगह गली गली शहर शहर यकीनी तौर पर ये उस शहीद की शान है जिसने बेलाग लाख बेखौफ सहाफत सा, की निडर सहाफत की बेलाग लाख तबसरे से अपनी जो बात रखी अपना तज़्जिया पेश किया और पाकिस्तान के लिए हमेशा सब जलाली परचम बुलंद रखने वाला अरशद शरीफ आज मनोमट्टी तले दबा तो दिया गया लेकिन उसकी सोच उसकी उसकी फ़िक्र उसका फ़लसफा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि आज के बाद अरशद शरीफ साहब का नाम होगा उनकी बातें होंगी उनकी तकारीर होंगी लेकिन जो कुछ वो कर चुके माजिम हमारे दरमियान ज़रूर होगा लेकिन अब अरशद शरीफ हमारे दरमियान नहीं होंगे गालिबा पाकिस्तान कौम के लिए एक बड़ा ही दुख का लम्हा था एक बड़ा ही अफसोस का मकाम है कि अरशद शरीफ जैसा साफ़ी जो पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद करता रहा और साल साल से इन्वेस्टिगेटिव uh, जर्नलिज्म में जिस अंदाज से उन्होंने अपना एक मुनफरद मुकाम हासिल किया आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और जो मनाजर आज देखे गए जो कुछ आज टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा गया जो कुछ आज इस्लाम में रहने वाले बसने वाले लोगों ने ऑब्ज़र्व किया यकी तौर पर तारीख नहीं मिलती आज का जो तमाम तर जो सानिया था आज जो कुछ एक्टिविटी थी या अर्शद शरीफ साहब का जो भी ये सानिया हुआ कि जिस अंदाज से उनको शहीद किया गया गलबन मुझे एक और शख्स की याद आ रही है और मैं नाम लेना चाहूँगा जनाब महरूम अमजद साबरी साहब जिनको शहीद किया गया उसी तरीके से कराची में शहीद किया गया कि घात लगा के टारगेट किया गया और फिर उनको शहादत उन, उनकी उनको शहीद किया गया एक ऐसा नाम एक ऐसा चेहरा वो भी पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर दुनिया भर में पेश की और अमजद साबरी साहब को भी जिस अंदाज से शहीद किया गया वो भी हमारे दरमियान मौजूद न थे एक पाकिस्तान का सासा थे और बड़े सारे मामलात हैं आज तक उनके कातलों का भी पता ना चला वो वाक्य कुछ उसी तरीके से उसी तरस पर कराची से शहर में हुआ तो अरशद शरीफ साहब का जो वाक़ हुआ वो पाकिस्तान से दूर हुआ अफ्रीका में नैरोबी में हुआ तो गालिबा इस बात की कुछ उम्मीद कम ही नज़र आती है कि असल जो मुजरिमान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा लेकिन आज हम अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ गफ्तू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो सहाफती की खदमात हैं उनके हवाले से ज़रा बात की जाए आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब अनवार शेख साहब सीनियर सहाफी तजयकार हैं फ़ती हलकों में बड़ी वाबस्तगी रखते हैं जरा इनसे जानते हैं कि बतौर सहाफ़ी अरश शरीफ़ साहब का जो किरदार था जो कद था वो की तरफ तो किसी से ढका छुपानेंगे लेकिन बतौर सहाफ़ी वो इसको किस अंदाज़ से देख रहे हैं अनवर साहब सलामकुम अनवर साहब अरश शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में या ये कहा जाए हालिया तारीख में ये कोई पहला वाक्य नहीं है जिसमें किसी नामवर शख्सियत को या किसी नामवर सहाफ़ी को निशाना बना गया बनाया गया हो या ये कहा जाए कि किसी ने निशाना इबरत बनाने की कोशिश की लेकिन वो आज एक रोशन जिंदा मिसाल बन के उभरे हैं जैसे कि हम मानते हैं कि शहीद कभी मरता नहीं शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है अरशद शहीद अरशद शरीफ साहब शहीद हुए हमारे दरमियान हम महसूस करते हैं आज भी मौजूद हैं और किस तरह तकलीफ़ दे मर लाए कितना तकलीफ़ दिलए बतौर पाकिस्तानी बतौर एक सहाफ़ी नी साहब ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और एक नाकबिल तलाफी नुकसान है और ऐसा नुकसान है हमारी सहाफ़ती बिरादरी का कि वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको ठीक है अच्छा जो हमारी सहाफ़ती बिरादरी है वो आपको पता है उसमें बहुत कम ऐसे सहाफ़ी होते हैं जो बहुत निडर होते हैं बेबाक होते हैं और बिल्कुल हक और सच के ऊपर वो खड़े रहते हैं आखिरी दम तक ठीक है अच्छा अब अर्शा शरीफ साहब का जो मामला है वो उन्होंने आखिर हद तक वो सहाफत बिरादरी में बड़े मकबूल शख्सियत माने जाते थे और बाकायदा हमारे जो एंकर्स हैं और जितनी हमारी सहाफी बिरादरी है हमारी यूनियन है प्रेस क्लब है हमारी जो दीगर तंजीमें हैं उनमें बड़े मकबूल थे वो और बड़े सोबर थे और बड़ा शाइस्ताना उनका अंदाज़ था आप यकीन करें जब मैं उनसे मिला तो आप यकीन करें कि बहुत सॉफ़्ट लेजिए के अंदर और बड़े ऐसे के शेख साहब कैसे हैं क्या हाल हैं तो बड़े बहुत बहुत यकीन करें कि मैं कहता हूँ नाइस इंसान थे अल्लाह उनको जो ये उनकी मफफरत ये बताएँ कि बतौर सहाफ़ी जब कोई अपना चला जाता है आज ऐसे शरीफ साहब की शहादत हुई आ, कहने को तो उनके घर के वो वाइद कफ़ील थे बड़े थे सरबरा थे लेकिन आज एक ऐसा मंजर देखने में आया कि एक इतना बड़ा जम गफीर उनकी शहादत को को देखते हुए विटनेस करते हुए उनके नमाज जनाजा में शरीक हुआ उनकी आखिरी रसूमात में शरीक हुआ जितनी गुलपाशी शायद इस्लामाबाद में आज हुई होगी मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की हालिया तारीख में इतनी गुलपाशी का मंर कभी देखा ना गया होगा तस्वुर ना किया होगा उनके घरों को उनके घरों के अतराफ की सड़कों को आ, उनकी उनकी जस्त खाकी के ऊपर जिस अंदाज से उनके जिस ताबूत में उनको ब, उनका उनकी जिसम को रखा गया था उसके ऊपर जिस अंदाज से वालियाना तौर पर जस्त गुलपाशी की गई क्या मंज़र था शायद जिसने ये घनौना काम किया यकीनी तौर पर आज इस मंज़र को देख के सोच तो रहा होगा कि उसने तो नामों निशान मिटाने की कोशिश की उसने तो जबा बंदे की कोशिश की लेकिन आज अरशद शरीफ जाते जाते भी बहुत कुछ करके चला गया बहुत कुछ कह के चला गया देखें मुनि साहब जब उनके जस्तखा की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा वो रिक्क़त मनाज़िर, मनाजिरफी बिरादरी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है आपको एक बात बताता चलो और पूरी साफी बिरादरी कराची से खैबर तक इस गम में दुख में निडाह है आज आपको बताऊँ कोई भी हमारी बिरादरी सहाफ़ी की जितनी भी तंजीमें हैं जितने प्रेस क्लब हैं नेशनल प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब कराची में जो आ रहा, रहा सब है सब सहाफी बरदरी को ना कबिल तलाफ़ी नुकसान है और आप यकीन करें कि मैं खुद मेरे भी आंसू निकल गए जब वो मैं कत मनाजिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के देखे मैंने और वो उनकी एम्बुलेंस के ऊपर किस तरह पतियाँ डाली जा रही थी फूलों की और किस तरह लोगों आंसुओं से और सिसकीों से रो रहे थे और जब उनके घर पहुंचा वो जैसे कहा कि उनका आप यकीन करें वो मंजर भी रिक्क़त अंगेज़ थे और नाकबिल तलाफी नुकसान है और मैं जितना कहूं, इतना इतना है, उनकी बच्चे उनकी फैमिली बहादुरी क्योंकि सरबरा और एक ऐसा प्यारा बेटा जब चला जाता है और वो माँ जिसने ऑलरेडी एक अपने जवान बेटे को शहीद को कबर में उतारा हो आज दूसरा बेटा उतारने के वक्त जब उनके मामलत थे जो उनके जज्बात थे जो उनकी गुफ्तु थी जो उनका इरादा पुख्ता इरादा नज़र आ रहा था क्या मतलब लफ्ज़ कम पढ़ रहे हैं आज जबान साथ नहीं दे रही और आ, हम शायद उस तरीके से तो कनेक्ट नहीं थे लेकिन आज हर एक पाकिस्तानी हर एक खास वाम अर्शद शरीफ साहब की शहादत को आ, देख रहा है उसके ऊपर गमजदा है उसके ऊपर रजीदा है और शायद साफ़ साफ थी हल्कों में हमने देखा कि गुजा कुछ सालों में कुछ स्प्लिट भी था कुछ आपस का इंतजार भी था अरशद शरीफ ने जाते जाते एक काम बहुत अच्छा कर दिया कि बहुत से ऐसे लोग जो एक दूसरे से शायद गुफ्तु नहीं कर रहे थे बात नहीं करते थे आज वो फिर से एक बार यकजा हुए क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये सब कुछ किसी के साथ भी हो सकता है और कोई है जो इस तमाम तूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है देखें मुनी साहब मसला यह है कि साफी बरदरी का जो नाकबिल तलाफ़ी नुकसान जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो इस तरह हुआ है कि वो एक बेहतरीन टी वी एंकर भी थे बेहतरीन सहाफ़ी भी थे और सहाफती उनके आर्टिकल और दीगर चीज़ें भी थी अच्छा उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए भी बड़ा बड़े शफीको नफ्स इंसान थे और मैं कहता हूँ उनकी फैमिली भी डैमेज हुई है नाकबिल तलाफी नुकसान हुआ है उनकी फैमिली का भी लाजमी बात है उनका चला गया और चार बच्चे थे उनके और आप यकीन करें कि वो बाप चला गया मैं समझता हूँ कि औलाद के लिए नाकबल तलाफी नुकसान होता है जब बालिक अच्छा अनवा साहब एक कल रात बड़ी पेशरफ हुई मैं देखा कि पाकिस्तान तहरीक साहब के उस वक्त के रहनुमा फैसल वाडा साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि मैं आज रात नौ बजे अरशद शरीफ के हवाले से जो कुछ मामलात हैं उनको सामने रखूँगा और एक बड़ी तहलका खेस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी और हुकूमती हल्के से या उस तरफ ये कह सकते हैं इनकलनेशन रखने वाले जो साफ़ी हैं यह बहुत से ऐसे तजयकार हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के बारे में पहले से कह दिया था कि गालिबन ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके बाद बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा और वैसे ही कुछ देखने में आया गालिबन फैसल वाटा साहब आए तो थे अरशद शरीफ साहब के कातलों का नाम बताने के लिए आ, कौन इसमें मुलविस है उसके बारे में बताने के लिए लेकिन कुछ गुम गु की कैफियत देखी गई कुछ कंफ्यूज नज़र आए आ, कुछ आ, क्लूलेस दिखाई दिए क्योंकि वो कहना क्या चाहते थे वो क्या सोच के साथ कल आए और नेशनल प्रेस क्लब में जिस अंदाज से उन्होंने जो तकरीर की जिस तकरीर का कोई सरा एक दूसरे से मिलता दिखाई नहीं दे रहा खुद तरीके इंसाफ़ की जो क्यादत है जितनी भी क़्यादत है वो इस तमाम तर इकदाम पर बड़ी सरप्राइज नजर आई और फैसल वाडा साहब जो कि कह रहे हैं कि उनको वो शर शरीफ साहब के साथ आखिरी लम्हे तक टच में थे कॉन्स्टेंटली वो कहते रहे कि मेरे फोन में सारे मामला मा, मामलात हैं सब कुछ है तो कल जब इतना कुछ जानते थे कुछ भी बताए बगैर वो वहाँ से चल चल दिए और और उनका मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ गालिबन बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक शहीद की का मजाक उड़ाने के मुतरद है उसकी शहादत का इस्तेमाल करने के मुतरदफ है और बहुत से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया पर कल फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो उन्होंने एक हंगामा सा बरपा किया हुआ था उसको देखते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि क्या कल कोशिश क्या की गई है नहीं सब मसला ये है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली बात तो मेरी समझ से बाला था उसकी वजह थी ना वो कोई बात बता रहे थे बस वो कुछ अजीब सी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मेरी समझ से बालत थी मैं तो नहीं समझ सका मैंने देखा उस चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे वो कि मैं बताऊंगा ये है भी, भी भी नहीं नहीं भी सामने आते भी नहीं, बस करें, बस बस करें, बस करामात करें बस कुछ इसी ऐसी इस, थी थी। ऐसी कुछ कुछ इसी ही की वाडा साहब ने गालिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद किसी और नीयत से की थी कुछ और मकसद था कहा उन्होंने कुछ और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतज फिल फॉर आने शुरू हुए और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतद जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनसे फैसल वाडा साहब को बाहर किया गया उनसे रिमूव किया गया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सिंध की सूबे सदर जनाब अली जरी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्हें एक्सप्लेनेशन भी के हवाले से भी कहा गया और फैसल वाड्रा साहब के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानव से यकीन तौर पर बड़े सारे सवाल खड़े हुए हैं और ये सवाल आज भी इसका जवाब नहीं हासिल हुआ कि फैसल वाड्रा साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उससे पहले एक फिजा बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद फैसल वाटा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए वजी दाखिला जनाब राना सना साहब ने गफ्तु की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तु की और पाकिस्तान मुस्लिम नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं ने गुफ्तु की लेकिन शायद कुछ हासिल ना हुआ जिस मकसद के लिए वो आए थे उस मकसद को तो शायद वो मकसद ही फौत हो गया उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वह अर्शद शरीफ साहब के कतलों का बताएँगे वो बताएंगे कि कौन है जो मुल्क में अदम इस्तकाम पैदा करना चाहिए जाता है बल्कि उन्होंने ये ना बताया और ये सिर्फ कहते चल दिए कि लॉन्ग मार्च खूनी मार्च हो सकता है इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं इसमें लोगों की लाशें गिराई जा सकती हैं आखिर खुद फैसल साहब कहना क्या चाहते थे और उन्होंने ये बात भी कही कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाने वाला जो शख्स होगा वो भी आ, उसी अंजाम को पहुँचेगा तो वो भी क्या किसी थ्रेट के जुमरे में था क्या कहना चाहते थे वो खुद कह रहे थे खुद समझ रहे थे क्योंकि इस वक्त मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूं जिनसे बात किए वो कहीं ना कहीं इस बात का इजहार कर रहे हैं कि फैशल साहब कल जो कहने आए थे वो कह ना सके क्या वजह थी क्या कहना था क्या कुछ कहना चाहते थे और जो कुछ कहा उसका मतलब वो खुद ही बेहतर तौर पर बता सकते हैं मुतद इसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज भी जो दिए उसमें भी वो किसी भी तौर पर कोई क्लियर पिक्चर देने में नाकाम नजर आए इसी से मजीद भी गुफ्तु करेंगे आज डी जी आई एस पी आर की जानब से और डी जी आई एस आई की जानब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बड़े सारे सवाल के जवाब भी मिले बहुत कुछ बता बात भी हुई इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक लेते हैं जी ब्रेक ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं The Daily Show with Munir Mehman. शो मुनीर मोर्निंग तो प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जरा तस्करा करते हैं आज एक uh... गैर मामूली सा काम हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत की वो डी जी आई एस पी आर और डी जी आई एस आई ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी जी आई एस आई जनाब लेफ्टिनेंट चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और जनाब डी जी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तार साहब ने जो कुछ गुफ्तगु की गाल पौने दो घंटे तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुकात उठाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें गई उसके मनाजर भी आपको दिखाते हैं और मैं जो आज एक सा, से सा काम हुआ एक हाल थी सहाफती कैरियर में, में वाक देखा क्योंकि मैंने अब तक जितने लोगों से सुना इस तरह का मंजर शायद पहले कभी देखा ना गया बिल्कुल सही कह रहे हैं ये पहली दफा जो हालात ये जो चल रहे हैं आपके सामने ये मैं समझता हूं कि ये जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है हमारी पाकिस्तान आर्मी और फौज ने बिल्कु। और बिल्कुल बिल्कुल उन उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम उठाए गए और किसी, किसी फौज ने और आ, फौज के तमाम इधारों के जो सरबरान हैं जो आ, जो स्टेक होल्डर्स हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने आज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक्सक्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े सारे राजों से पर्दा उठाया और अर्शिद शरीफ साहब के हवाले से भी गुफ्तु हुई मौजूदा पोलिटिकल सीनारी के हवाले से भी बड़े सारे सवाल के जवाब दिए इस, पर, इस प्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ सीधा सीधा नुक़ात आपको दिखाते हैं और फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तु आपने देखा कि ये जो गुफ्तगु हुई थी और इसके बाद फौरी बाद ये कहा जा सकता है कि वजी दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आई और डीजीआईएसआई आए की जानव से की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी गुफ्तु और उनमें पेश किए गए नुकात का फायदा उठाते हुए या उसको कुछ हद तक ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी उसके बारे में बताया उन्होंने इस सवाल से क्या गुफ्तगु की जरा ये तो ये सारी सूरत के बारे में हमने आपको आगाह किया और इसके हवाले से भी जरा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्दमल है वो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अनवर साहब आज इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर हमने देखा हुकूमती सतह से भी इसके बारे में एक आगे ब्रीफ किया गया और ये कहा गया कि बड़े सारे मामलाते मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद एक्सेप्टेबल बहुत से लोगों को हो या ना हो कुछ में कन्फ्यूजन है क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े सारे मामला में जो ख्जा आसिफ साहब ने की लेकिन क्या हो इससे एक मैसेज किया आ रहा है आ, मुल्क के हालात ख़राब हैं या सिचुएशन थोड़ी सी इस वक्त आप कह सकते हैं ख़राब है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है देखें जी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क की वो थोड़े से गैर मामूली हालात चल रहे हैं मनीष साहब पहली बात अच्छा उन हालात में गौरमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हमारी फ़ौज की तरफ से और फौज ने बहुत अच्छी बात की हमारी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हमारा किसी भी सियासत और किसी भी किस्म के मामला से हमारा कोई वास्ता नहीं है और हम अपना काम कर रहे हैं जो मुल्क की सलामती का काम है हमारा सिक्योरिटी और, का, और 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 एक, और हम एक और बड़ा अच्छी उस, बात उस भी भी मार्च के हवाले से भी आ, सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल इस बात का बर्मला का इजहार किया कि जमहूरी कुतें जमोरी माशरों में इस तरह के मार्च और प्रोटेस्ट होते हैं और उन्होंने जो इस वक्त यूके में जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इकतेदार की जो जंग चल रही है इकतेदार के जो जो ताज है वो एक सर से दूसरे सर के ऊपर मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है एक गैर ये सूरत हाल तो उन्होंने उसका भी रेफरेंस दिया कि जब दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत में इस तरह की सूरत हाल होती है और स्टेट और रियासत कायम रहती है तो पाकिस्तान में अगर इस तरह के कुछ मामलात हैं अगर कुछ लोग या कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई सरगर्मियां करना चाहती है वो अपना मुतालबात पेश करना चाहती है तो यकीन तौर पर कानून आयन के रूप में इस बात की इजाज़त है और उसको उन्होंने बड़ा खैरमकदम किया कि कोई अपने इजहार करना चाहता है आज़ादी आज़ादी इजहार राय के कानून के तहत तो बिल्कुल की जा सकती है और उसमें किसी किस्म की फ़ौज की जो है जो न्यूट्रलिटी वो हमेशा बरकरार है किसके से गफ्तू भी की लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक रदल भी था और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ तैयारियां इस वक्त की जा रही है प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं जी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और शेख रशीद साहब ने जो आज वीडियो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तू की उसके हवाले से गुफ्त करेंगे ब्रेक लेते हैं ब्रेक

इकट्ठे होकर इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करें यकीन तौर पर ये इस बात का इशारा देता है कि मुल्क में जो सूरत हाल है वो गैर है और कहीं ना कहीं इस बात का यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है बतौर साफ़ी बतौर तजिया कि शायद पाकिस्तान में मौजूद इस अनसर्टिनिटी का कोई ऐसी कुत है जो फ़ायदा उठा सकती हैं या उठाना चाहती होंगी और ऐसे वक्त में हम सबको यकीन तौर पर जो अपना किरदार है जो अपना अमल है उसको बड़ा सोच समझ के करना होगा लेकिन रही बात लॉन्ग मार्च की तो अनवर साहब पाकिस्तान तरीक इंसाफ ने माजी में एक तवील लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने जो इतलात हैं कि इस्लामाबाद में जो डीसी सी इस्लामाबाद हैं, उनको भी दरख्वास्त दे दी है कि वो आ, एक जगह पे एक गैदरिंग करना चाहते हैं उस गैदरिंग के हवाले से इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो गालिबा एक लॉन्ग मार्च होगा उसमें धरना होगा एहतजाज कुछ दिनों तक तवील रह सकता है आगे क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना दिखाई दे रहा है तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है और ये लॉन्ग मार्च किस तरीके से आप देख रहे हैं देखिए साहब मैंने इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो उन्होंने लाहौर के अंदर की लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा जी कि जुमे के दिन हम ग्यारह बजे लिबर्टी चौक आ, लाहौर से हम अपना लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे बिल्कुल सही और बारसता जो है जी टी रोड के रास्ते हम तमाम जो शहरों से होते हुए इस्लामाबाद जाएंगे बिल्कुल सही और तमाम शहरों से जो लोग जो है वो काफिलों की शक्ल में अच्छा उन्होंने एक बात और की कि हम पूरा मन हमारा ये लॉन्ग मार्च है और हमारा जो एहत है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट आ जाए बस इस इसके अलावा हमारा अच्छा, किसी के समझ हमारे एक सवाल

उनको बजाय जो ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है कि अगर इस वक्त वो घर चले गए की तारीख दे दी गई तो उनकी जो है सीनियर वो लंदन में मौजूद है यानी कि म्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून का वसी पैमाने पे इलेक्शन लड़ना और जीतना तौर तो मुश्किल अमल हो सकता है तो हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल होगा, होगा कि वो इस तरह के मुतालबात माने कहीं ना कहीं ये सूरत हाल पर डेड लॉक की तरफ जाएगी देखें इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने एक चीज कहा कि जब हमारे दौरे हुकूमत था तो उस वक्त तीन लॉन्ग मार्च की अपोजिशन में मुख्तलिफ़ी हमने उनको फ़ेस किया इमरान खान ने कहा हमने उनको आने दिया उनको तमाम सहूलतें दी और उनको बाकायदा लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी और उनको डी चौक तक आने दिया ठीक है हमने उनको तमाम सहूलतें दी हर तरीके से एहतजाज हक है वो ये कह लेंगे एहतजाज हक़ है कोई ऐसी बात नहीं है और हम भी वही कर रहे हैं हमारी कोई और मामला थोड़ी हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें हम घर चले जाए अच्छा वहां साहब क्या अलाउंस करते हैं एक बस। एक, एक आ, ये बात एज अ थ्योरी रखी जा रही है कि क्या ही बेहतर ना हो कि इस वक्त जो सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो अगर ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पुर-अमन लॉन्ग मार्च एक रैली की सूरत اسلامबाद आए अपना احتجاج करे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाए और वहाँ पर हुकूमत को हुकूमती अहदेदारान को और जो तमाम जो इदारे हैं उनको अपना एहताज रजिस्टर करवाए उनके जो मुतालबाते हैं इलेक्शन कमीशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के निजाम से मुतालिक उनको एड्रेस कर दिया जाए कुछ एक गिव एंड टेक की सूरत हाल कुछ डायलॉग अगर हम हम देखने शुरू हो चाहे जाए चाहे ज्यादा ना सही अगर हम बात करें जो इस वक्त जो प्लान है इंतखबा वो अगस्त के महीने में शायद उनको अप्रैल मार्च की भी अगर तारीख दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये बर्फ पिघलनी चाहिए ये अगर मामला हैं तो दोनों दोनों अतराफ से एक बढ़पन का मुजाहरा होना चाहिए और ठीक है अगर एक दो महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं दो तीन माह पहले हो जाते हैं तो वो भी इतना बड़ा नहीं बस अगर हम यहां पे देखें तो एक कंसर्निंग सूरत हाल तो है आ, वैसे मुल्क में बेयकनी कैफियत है और हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या कब क्या हो जाए तो बेहतर नहीं है इस बेयकनी कैफियत को अपनी आना को पद से पर्दा रखते हुए ख़त्म कर दिया जाए देखें जी वजीर दाखिला साहब ने अभी मैं कल बयान देख रहा था जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान साहब ने तो उन्होंने कहा कि हम पी टी आई से मुदाकर करने को तैयार हैं

इलेक्शंस की तारीख़ दे दी जाए और ये जो सूरत हाल है वो डिफ़्यूज़ हो जाए देखिए बे सी जो सूरत हाल है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ मुल्क में यही इलेक्शन के हवाले से और तारीख़ के और इधर जो इंसाफ है और दूसरा मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ देखिए ये जब भी ख़त्म हो सकती है कि इलेक्शन की डेट मेरी समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन की डेट अलाउंस करते हैं खत्म कर चाहे तीन महीने बाद की हो चार महीने बाद की हाँ, ये 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 नहीं एक अलाउंस खान करते हैं। ये मेरे ख्याल से उसके शायद उसके बाद खान साहब भी अपने घर चले जाएंगे सिस्टर अगर अगर की तरफ वैसी महंगाई मार्च के आप यकीन करें गरीब आदमी जो है जो इस वक्त जो हालात हैं वो घी तेल चीनी किस तरह अपने घर को लेके चल रहा है तो गुफ्तु हो और कहीं ना कहीं अगर दो तीन माह पहले यह हुकूमत का जो टेन्योर है उसको मुकम्मल कर लिया जाता है तो हुकूमत के पास भी एक वाफिर वक्त होगा कि वो अपने मामला को संभाल सके अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके और अपोज को भी कम से कम से अगर इस वक्त देखें तो एक यकीन होगा कि ठीक है अगर दो तीन माह का वक्त रह जाता है तो हम इलेक्शन की तैयारियों के मोड में चले जाएंगे और फिर वहां से ऑटोमेटिकली सूरत हाल होती चली जाएगी और बेहतर ये होगा कि इन चार पांच छह माह के दौरान इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाया जाए उसको शफाफ बनाया जाए ताकि जब आइंदा इंतख्या हो तो इस तरह का इस तरह की रुकावटें इस तरह के मामला इस तरह के बिगाड़ खराबियां देखने में ना है ताकि इलेक्शन के जो नतयज हों वो सबको मंजूर हों और आज यकीन तौर तो पर राज्य तहसीन पेश करना चाहेंगे कि अपने इधारों को जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया अलहदा कर दिया एक बार फिर से उन्होंने इस बात का दोहराया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वो किसी भी तौर पर आई आईनी और कानूनी दायरा इख्तीार तजावुज करते हुए हुकूमत की अपोजिशन के हवाले से किसी भी मामला में दखल अंदाजी नहीं देंगे और सियासतदानों की जब जिम्मेदारी है कि वह अपने मामला को संभालें तो उनको संभालना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोताही यकीन तौर पे एक बड़े नुकसान का सबब बन सकती है अनुराज साहब सब, मैं सब कुछ कहना चाह रहा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो गरीब आदमी है इस वक्त जो माशी बुरान है महंगाई है मुल्क से मुल्क में आप समझ नहीं रहे कि ये बेयकनी सूरत हाल से गरीब आदमी बहुत परेशान है आप सोच ही नहीं सकते गरीब आदमी के लिए जो बुनियादी चीज़ें जो हैं घी तेल चीनी आटा उस वो 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 चीज़ महँगाई आगे तूफ़ान की तरह चढ़ रही है

पोशीदा हैं आज की रात में पेवस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की रात और कल की सुबह बड़ी खैर वाफत वाली हो और जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त खशरात में डला रहे हैं जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया या दीगर महफिलों में महाफिलों में जो कुछ जो, ड्रा, जो ड्राइंग रूम गोसिप है उसमें कहा जा रहा है खुदा ना करे खुदा ना करे पाकिस्तान को किसी भी तौर पर किसी भी कड़े वक्त का सामना करना पड़े आ, कुछ गिरफ्तारियाँ कुछ मामला कुछ कशीदा सूरत हाल कुछ गैर यकीनी कुछ मामूली सूरत हाल की तरफ इस वक्त जो इशारे दिए जा रहे हैं बातें कही जा रही हैं हम दुआ करते हैं दुआ गो है कि अल्लाह पा तमाम तो सूरत हाल से पाकिस्तान की हिफाजत करे पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों लोग और उस पाकिस्तान में के पहाड़ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और जो कुछ हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, एक बेहतर कल के लिए उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा अपने मेजबान मुनीर मेमन को जासा दीजिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज Daily Show with Munir Niemann.